पिछले अटेम्प्ट में हमारे 500 से ज्यादा बच्चों ने सीए इंटर पास किया था, पर आप विश्वास मानेंगे 300 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो कहीं और ऑफलाइन कोचिंग ले रहे थे, फेल हुए, उसके बाद ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया था। आज मैं आपके सामने खड़े होकर के इतनी बात कह पा रहा हूँ, तो क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे आत्मविश्वास है कि हाँ हमारे कंटेंट के अंदर कितना दम है, हमारे टीचर्स के अंदर कितना दम। आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, आप दूसरों को कॉन्फिडेंस देना शुरू कर दें, क्योंकि दूसरों को तो वही कॉन्फिडेंस दे सकता है ना जिसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस। देखो जब आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाते हो, या मैं कहूं अपनी पढ़ाई के लिए आप रोज का टाइम टेबल बनाते होगे, काफी बच्चे की ना एक कंप्लेन रहती है कि साहब कब रिवीजन करें, कब टेस्ट दें, और कब जो है कंटेंट करें, हमें समझ में ही नहीं आता। हम टेस्ट देने बैठते हैं तो पूरा टाइम उसमें निकल जाता है, कंटेंट करने बैठते हैं तो उसमें निकल जाता है, रिवीजन करने बैठते हैं तो उसमें निकल जाता है। हम पढ़ते तो है, हमें डे एंड में खुद ही नहीं पता होता हमने क्या पढ़ा। कितने बच्चों के साथ ये होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं टाइम टेबल बताऊं आप लोगों को, ये तो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना लेवल होता है, लेकिन मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे सकता हूं जो आपकी शायद बहुत ज्यादा हेल्प करे। क्या देखो, सबसे पहले जैसे आपको आज पता लग गया कि भाई रोज अपने को एक टेस्ट देना ही दे रहा है, तो टेस्ट के लिए 1 आवर सेट असाइड कर दो, कि रोज 1 घंटे, चाहे मॉर्निंग में, चाहे आफ्टरनून में, चाहे इवनिंग में, कि रोज साहब अपने को 1 घंटा तो टेस्ट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 1 घंटे का टेस्ट देना है तो साहब रिवीजन भी करनी पड़ेगी, ये सुनो, बिना रिवीजन के थोड़ी ना होगा, तो 2 घंटे आपको जो है रिवीजन के लिए भी सेट असाइड करने पड़ेंगे, 3 घंटे अपने रोज के फिक्स कर लो। इससे क्या होगा 3 घंटे फिक्स करने से, कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, उसकी जो है आप लोगों की आराम से तसल्ली बख्श जो है वो रिवीजन होती रहेगी, तो एक ना दिमाग में कहीं ना कहीं 10-12 दिन बाद शांति आनी शुरू हो जाएगी कि यार एटलीस्ट चल जो पढ़ा है वो तो आता है, उसको मैं जब भी खोलूंगा तो मुझे 10-15-20-25 मिनट में याद आ जाएगा। तो टेस्ट को डेली 1 घंटा और रिवीजन को 2 आवर्स, 3 घंटे जो है इस चीज को आप लोग फिक्स कर दीजिए। और जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, वो इस टाइम को बढ़ा करके जो है वो 5 घंटे तक ले जाएं, क्योंकि मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उनका काफी हद तक जो है सिलेबस ऑलरेडी हो चुका होगा, और नहीं हुआ तो फिर बोथ ग्रुप क्यों दे रहे हो, है एक ही ग्रुप दे लो, ठीक है। रेस्ट ऑफ टाइम जो है आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि भाई 70% सिलेबस और जो मिनिमम चैप्टर्स मैंने आपको बताया कि ये आप करिए, सबसे पहले अब आपको जो है उनको करने पे फोकस करना है, एकदम पूरा यू टर्न मार दो। जैसा आपको बताया है कि भाई 70% वाली थ्योरी की हर सब्जेक्ट का सबसे पहले 70% लाना है और कुछ मिनिमम चैप्टर्स करने हैं, वो जो है आप सबसे पहले अब आ जाओ कि मेरे को जो है सबसे पहले इसके ऊपर अपनी सारी की सारी शक्ति लगानी है, मुझे जो है इसके अलावा अभी कुछ भी टच नहीं करना। देखो एक चीज को समझिए, जो ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी है ना, ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो 100% ऑनलाइन है, हमारी कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती, 100% ऑनलाइन, और ये इकलौता है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो 100% ऑनलाइन हो। उनके पास, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के पास ऑनलाइन से भी पैसा आता है, ऑफलाइन से भी आता है, और वहां पर उनकी 90% पैसा जो है ऑफलाइन से आता है, तो वो इन बच्चों को बहुत ध्यान से देखते हैं, इनको करते हैं इग्नोर, वो इनको इग्नोर करके चलते हैं, और ऑफलाइन के अंदर बच्चा सामने होता है उसे समझा देते हैं। 100% ऑनलाइन होने के नाते ना ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी पे बहुत दबाव है। दबाव क्या है कि भाई मैं बच्चों को कितना ही बोलूं, अगर मेरे बच्चे का एंड में रिजल्ट नहीं आया, भाई बच्चा ना सिर्फ एक चीज याद रखता है कि वो पास हुआ या वो फेल हुआ, और कुछ नहीं याद रहता उसे ऑनलाइन में, सिर्फ एक चीज याद रहती है उसे पास हुआ या फेल। भाई ऑफलाइन के अंदर क्या है,
टीचर ने मेरे से हंसी मजाक किया, मेरे से मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी सॉल्व कर दी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कनेक्शन बन जाते हैं। ऑनलाइन में ड्रामे नहीं होते, ऑनलाइन में होता है कई बार तो ऐसा हो जाता है बैच के बैच निकल जाते हैं और बच्चे को यही नहीं पता होता कि क्या बोलते हैं वो, कौन सी वेबसाइट पे आ रहा था सही से, क्योंकि एक बार उसने ऐप लॉग इन कर ली, बार बार उसे खोलता है और उसे मतलब उसे लिटरली याद नहीं रहता कि ऐप कौन सी लॉग इन वो कर रहा था, क्योंकि सीधे वो उसे खोलता है, कभी चेक ही नहीं करता। यहाँ पर जो है सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, पास या फेल, और इस वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया अगर हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, अगर ऑफलाइन के अंदर दूसरे कोचिंग्स का रिजल्ट 20% आ रहा है और मेरा रिजल्ट अगर बच्चों का कम से कम 60% नहीं आया, 80% नहीं आया, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। पिछले अटेम्प्ट में हमारे 500 से ज्यादा बच्चों ने सीए इंटर पास किया था, और आप विश्वास मानेंगे 300 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो कहीं और ऑफलाइन कोचिंग ले रहे थे, फेल हुए, उसके बाद ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया था। क्यों वो ये पास हो पा रहे हैं? क्यों हम ऑनलाइन के अंदर भी सबसे बेहतरीन रिजल्ट दे पा रहे हैं? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इकलौता कारण है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो टेस्ट है और हमारी पूरी ग्रूमिंग टीम के जो इतने एक्सटेंसिव एफर्ट्स हैं।